ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शबाहत अली है। आई एम कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग इन शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर। मैं बाहर भी काम करता रहा हूँ आयरलैंड में, मेरा अराउंड 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे जो दिल के मरीज़ों में इग्नोर की जाती है और स्पेशली इन आर सोसाइटी उसे इग्नोर किया जाता है, वो है एंजाइना या दिल का दर्द जिसे हम कहते हैं। एंजाइना बेसिकली क्या है? एंजाइना को हम आम फहम ज़ुबान में दिल का दर्द कहते हैं। और एंजाइना की वैसे तो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको एक आम आदमी के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वैसे आप डेली एक्टिविटी कर रहे थे या कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा था, बट अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती, कोई आपकी पुरानी हिस्ट्री है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की, लाइक आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, और स्पेशली जो हमारी सोसाइटी है शुगर के मरीज़, अगर आपको ये वजूहत हैं। और एक और जो इम्पॉर्टेंट सवाल जो अक्सर यहाँ पे मिस होता है कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को दिल का मरीज़ दिल का मर्ज था और उसकी डेथ 50 साल से कम उम्र में हुई है, तो ऐसी अगर कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आपको अपनी डेली एक्टिविटी में जो पहले नहीं होता था लेकिन आप डेली एक्टिविटी में या ज़्यादा एक्टिविटी में सीने में दर्द या दबाव इवन के महसूस होना शुरू हो गया। ऑब्वियसली हम दर्द को ज़्यादा अभी करेंगे क्योंकि हम एंजाइना को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो रहा है तो ये एंजाइना या दिल की एक अलामत हो सकती है कि आपको दिल की नालियों में तंगी हो सकती है। आगे मैं थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा और आगे उसकी क्या क्या वजूहात की वजह से हो सकता है। अच्छा, अगर आपको सीने के दरमियान में दर्द महसूस हो रहा है और अगर ये दर्द बाएं बाजू में या उंगलियों में या किसी भी जबड़े वाली साइड पे दाएं या बाएं, स्पेशली बाएं अगर आपको जा रहा है और अगर आपके इवन के कंधों की तरफ भी ये जा रहा है, वैसे तो हम आम जबान लोग तो कहते हैं जी बाएं कंधों में, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी ये दर्द ट्रैवल कर रहा है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आपको चाहिए कि इसकी मुकम्मल तशखीस की जाए। अच्छा, अब इसकी कॉमन वजह क्या हो सकती है? इसकी कॉमन वजह, जो आम वजह हमने देखी है वो यही है कि दिल की नालियों में तंगी। आम लोग वाल्व, वेने हर चीज़ कहते हैं, वैसे तो दिल की नालियाँ या शरियाने कहा जाता है, ठीक है। वाल्व एक और चीज़ है, वो दिल के खानों को अलहदा करता है, और जो नालियाँ होती हैं वो बेसिकली दिल की मुख्तलिफ दीवारों को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई तंगी थोड़ी सी या दरमियानी या ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उस मर्द या औरत को थोड़ी बहुत महसूस होती है सीने में दर्द या दबाव, जो ऑब्वियसली वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ही पता लग सकता है, बट ये एक कॉमन वजह है, ठीक है। और वही है, उसके लिए हम बेसिक से ही चलेंगे ऑब्वियसली, और उसके लिए हम सबसे पहले ECG करा के देखेंगे उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ गए, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर कोई फॉरेन चेंजेस आए। उसके बाद हम एकोकार्डियोग्राफी करेंगे जिसे हम दिल का अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, उसके अंदर हमें एक काफ़ी ज़्यादा ओवरव्यू पिक्चर आ जाती है आपके दिल की, कि अगर जो दिल की नालियाँ जिस दीवारों को सप्लाई कर रही थी उसके अंदर कोई किसी किस्म की हरकत में कमी या बिल्कुल रुक तो नहीं गई, तो वो एक हमें एक बहुत ही अच्छे पिक्चर शो कर सकती हैं कि जो रिलेटेड आर्टरी जो कह लें कि जो एक दीवार के लिए सप्लाई कर रही थी उसके अंदर शायद तंगी हो सकती है। और अल्टीमेटली अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा मसला तंग कर रहा है, मतलब अगर आपकी वैसे तो अगर आप का अगर बहुत ज़्यादा काम करने या लंबा चलने की वजह से या सीढ़ियाँ या बहुत ज़्यादा वजूहात की वजह से अगर आपको दर्द हो रहा है, तो फिर तो हम आउटडोर बेसिस पर इसका एंजियोग्राफी प्लान कर सकते हैं या नॉन इन्वेसिव टेस्ट लाइक थैलियम स्कैन, CT, NG की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने डेली रूटीन में और बैठे बैठे भी दबाव या दर्द होना शुरू हो गया, तो फिर आपको फ़ौरन किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाके अपनी ECG और दूसरे टेस्ट करा के और फ़ौरन एंजियोग्राफी करानी चाहिए,
कि उसकी टंगी किस हद तक है या अगर वो है भी है कुछ और तो नहीं है. ठीक है, आई होप सो दिस विल हेल्प यू, या आपकी काफ़ी मददगार होगी. इंशाल्लाह हम आगे भी फर्दर चीज़ों पर डिस्कस करते रहेंगे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.